साइला में सक्सेस लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। युवाओं एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए साइला कस्बे में सक्सेस लाइब्रेरी का शुभारंभ तहसीलदार कौशल्या जांगेड़ के मुख्यातिथ्य व विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोपाल राम मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते जीवाणा उप तहसीलदार बाबूलाल सोलंकी, साइला सरपंच रजनी कंवर, सहायक अभियंता छगन मीणा, प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार शर्मा, कॉलेज प्राचार्य भवरलाल लोहार, तालियाना सरपंच हस्तिमल परिहार, वालेरा सरपंच प्रतिनिधि दीपाराम, साइला उप सरपंच प्रकाश मेघवाल मौजूद थे। कार्यक्रम का आगंतुक मेहमानों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस मौके कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए तहसीलदार जांगीर ने कहा कि आज सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में पुस्तक से बड़ा मनुष्य का कोई मित्र नहीं हो सकता है। इस दौरान PEO प्रवीण शर्मा, अधिशासी अभियंता गोपाल राम मेघवाल, कॉलेज प्राचार्य भवरलाल लोहार, सरपंच रजनी कंवर सहित ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर सक्सेस के टिप्स दिए। सक्सेस लाइब्रेरी के निदेशक अजमल राठौड़ ने सक्सेस लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी व आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं पहले दिन ही शुभारंभ के अवसर पर 22 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सक्सेस लाइब्रेरी में 70 सीट बैठने की व्यवस्था रहेगी। इस मौके नायब तहसीलदार नारायण सिंह RI, सुखराज राजपुरोहित, हनुमंत सिंह, नरसीदान पटवारी, जसाराम हरदानाराम देवासी, ज्ञान सिंह परमेश्वरी, दिनेश सोलंकी, रामस्वरूप गोदारा, सूरज कुमार, सुरेश कुमार, मंगेज लता, नोपाराम, छगनलाल जिनगर, शंभु सिंह मीठालाल, नपाराम, रविंद्र सिंह, दाऊद खान, विक्की मोकणी खेड़ा सहित सैकड़ों युवा उपस्थित थे। स्टडी करें तो सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन, और सुरेश जी और मंगेश लता जी आपको शुभकामनाएं। मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करती हूँ कि कलुष भेदतम हर प्रकाश भर, जगमग 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 कर दे बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, जगमग 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 कर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे और आपका ये जो लाइब्रेरी है वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुए, क्योंकि हम लोग RS की तैयारी करते थे तो इसमें जो वाइब्रेशन जो आती है एक दूसरे को देख के, जो ऊर्जा जो आती है, घर पे हमारे पास 1000 बहाने होते हैं तो जो बच्चे घर पे 3 घंटे पढ़ते हैं वो 6 घंटे पढ़ते हैं, हम 10-10, 11-11 घंटे वहाँ पे बैठे रहते थे पढ़ते थे, तो ये चीज़ें इससे होती है कि आपका माहौल इस तरह का बना रहे। तो आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत कि ये बढ़े। तो क्या यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, या हमारे प्रबुद्ध जी नहीं बैठे हैं? क्या हम कुछ बताऊँ तो उस हिसाब से बताऊँ? लिए आप रखें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आदरणीय प्रवीण जी ने बताया और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी बताई, तो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कंपटीशन में सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सभी को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुरेश जी और अजमल जी उनके यही कहना चाहूँगी, आई एम रियली अप्रिशिएबल, बहुत कमांडेबल है ये सोच लाना ही। बहुत पहले मैंने भी सोचा था इसके बारे में कि हमारे साइला में लाइब्रेरी क्यों नहीं है, पर सब कहते थे जगह अवेलेबल नहीं है, बट आज जब ये स्पेस देख रही हूँ मैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए एक एकांत जगह चाहिए और वो ही यहाँ पर है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उस वक्त हमें एकदम सुकून चाहिए, जो ये जगह मुझे बता रही बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जितने टाइम से हम भी कोशिश कर रहे थे जगह ढूंढने की हमें भी नहीं मिली, बट आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, और साइला को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ पे कोचिंग्स भी अवेलेबल नहीं है और लाइब्रेरी भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, कहने का सब है, कोई जोधपुर जाना चाहता है, कोई जयपुर, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आज उन्हें इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उन्हें ये सब सुविधाएँ मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं साइला के जालौर पूरे एजुकेशन लेवल में बहुत कम है, और ये जो आज प्लेटफॉर्म चुना गया है लाइब्रेरी का, ये बहुत अच्छा पड़ाव है, इससे बच्चों को पढ़ाई करने का भी बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें ये मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने का कि हाँ चलो घर पे ना सही, हम एटलीस्ट लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, और मेरी ये विशेष भी कि बहुत जल्दी यहाँ पर कोचिंग भी स्टार्ट हो जाए ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, ये बहुत अच्छा पड़ाव है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी, मुझे यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए बोला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।